नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, सुप्रभात। मित्रों, आज 26 फरवरी 2019 दिन मंगलवार का संक्षिप्त पंचांग और राशिफल प्रस्तुत कर रहा हूँ। तिथि फाल्गुन कृष्ण अष्टमी है, कल प्रातः 5:20 तक, उसके बाद नवमी तिथि। नक्षत्र अनुराधा है, रात्रि 11:45 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग व्याघात है, प्रातः 10:45 तक, उसके बाद हर्षण योग। करण बब है और चंद्रमा दिन रात रहेगा वृश्चिक राशि में। अब बात राशि फल की। मेष राशि, आज का दिन मन थोड़ा आपका खिन्न और अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनों से तनाव महसूस करेंगे। यात्रा के योग है, यदि टाल सकते हो तो बेहतर होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, हालांकि बेवजह के खर्चों की अधिकता रहेगी, आर्थिक दबाव ज्यादा रहेगा, फिर भी कार्य रुकेंगे नहीं। थोड़ी सेहत संबंधी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। धर्म, अध्यात्म, दर्शन और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए दिन अच्छा है। आज थोड़ा धार्मिकता के रंग में रंगे रहें, वही अच्छा है आपके लिए। रोजी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी आदि में परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और लाभ कम रहेगा। घर कुटुंब में वाणी व्यवहार व्यवहार पर नियंत्रण रखें, धैर्य से काम लें, वरना कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 60। वृषभ राशि, आज का दिन अच्छा है, आर्थिक तरक्की के योग है, आपके नए आय के स्रोत बनेंगे, आय में वृद्धि भी होगी और नई योजनाएं क्रियान्वित हो सकती है। कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अचानक धन लाभ की आशा है। शत्रु परास्त होंगे, घर कुटुंब में और संतान पक्ष में सुख शांति रहेगी। आज पुराने मित्रों से मुलाकात का योग भी है, उनसे सहयोग भी प्राप्त होगा आपको। आज थोड़ा सा ध्यान अपने आपको स्वस्थ करने पर लगाएं, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें आज, क्योंकि कार्य की व्यस्तता शरीर व मन दोनों को थका देगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से खुशहाल रहेगा, शुभता का प्रतिशत है 85। मिथुन राशि, आज का दिन शानदार रहेगा, थोड़ी व्यस्तता तो रहेगी और प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जीत आपकी होगी। लगभग सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। रोजी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी आदि में मजबूत स्थिति रहेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा की स्थिति रहेगी। घरेलू मोर्चे पर थोड़ा धैर्य और बुद्धि विवेक से काम लेने की जरूरत है। कहा सुनी व तनाव की स्थिति से बचें। आज आर्थिक लाभ के योग भी हैं, लेकिन कोई यात्रा और खर्च भी संभावित है। आज मन में अकारण ही चिंताग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए आज थोड़ा धर्म और अध्यात्म की शरण में जाएं। धर्म, दर्शन, तंत्र, मंत्र जैसे विषयों में आज रुचि जगेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचें और बुद्धि विवेक से काम लें व तालमेल बनाकर चलें। शुभता का प्रतिशत है 80। कर्क राशि वालों का दिन आज रचनात्मक गतिविधियों में, मित्रों से मिलने जुलने और संबंधियों से मेल मुलाकात से भरा रहेगा। नए संबंध बनेंगे जो आगे फलदायी होंगे। आज भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें, मन की तेज गति और भटकन आपको उलझन में डाल सकती है। निर्णय लेने में कुछ कठिनाई का अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, व्यवसाय में नए सहयोगी बन सकते हैं। कुछ मोर्चों पर प्रतिस्पर्धा का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। आज आर्थिक निवेश व नए कार्य को शुरू करने से बचें। भाई बहनों, मित्रों, परिवारिक जनों से संबंध मधुर बने रहेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कहा सुनी से बचे, मधुरता बनाए रखें। शुभता का प्रतिशत है 65। सिंह राशि, आज का दिन मन अशांत रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी नजर आ रही है, घर का वातावरण प्रतिकूल रहेगा, रहन सहन भी कष्टमय संभव है, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी, धर्म कर्म अध्यात्म का सहारा लें, इससे आपका तनाव कम होगा। रोजी रोजगार, कारोबार, नौकरी आदि में स्थिति संतोषजनक रहेगी। कार्य का अतिरिक्त भार तो रहेगा, लेकिन सहयोगियों की मदद से आपकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। अधिकारियों की कृपा दृष्टि भी मिलेगी। आज आप घर परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, या फिर कामकाज के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। आज वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन में कटता रहेगी, इसलिए धैर्य और संयम से काम लें। शुभता का प्रतिशत है 60। कन्या राशि वालों का दिन सफलताकारी रहेगा, आर्थिक गतिविधियों में सफलता के योग हैं, कार्य क्षेत्र में मजबूती रहेगी, मान सम्मान व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज आप किसी धार्मिक आयोजन में भी हिस्सा ले सकते हैं। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन आप क्रोध व आवेश के अतिरिक्त से बचें, संयमित व्यवहार करें, पुराने मित्रों से मिलना जुलना होगा, संबंधों का दायरा बढ़ेगा। आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, पुराने रुके हुए
कार्य आज पूरे हो सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दांपत्य जीवन में कहासुनी व तनाव के योग हैं। विवादित विषयों से बचें। शुभता का प्रतिशत रहेगा 80। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों के फल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक जय सियाराम। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।